जोहार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेजी ज्योति केरकेट्टा है। मैं झारखंड से हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग बिहार और झारखंड का फेमस जो छठ पर्व में बनाया जाता है ठेकुआ बनाएंगे। और पर्व मनाएं चाहे नहीं, हम लोग ठेकुआ बना के खा सकते हैं। चलिए हम किस तरह से बनाते हैं इजी रेसिपी से आपको मैं बताती हूँ। ठेकुआ बनाने के लिए इस कटोरी से 2 कटोरी हम मैदा लिए हैं, 2 कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं, 1 कटोरी सूजी लिए हैं। इसको हम लोग मिला देंगे। इसमें 1 कटोरी हम लोग तेल डालेंगे। आप लोग घी मिला सकते हैं, हम रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। इसको मिलाएंगे। इसमें नारियल का बुरादा या नारियल डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। इसमें 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हम चीनी डालेंगे। चीनी आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। देखिए अच्छा वाला खस्ता बनेगा ये। अगर आटा ज़्यादा हो तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग पानी मिला के ये करेंगे, एक साथ नहीं गूथेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा मिला के इतना मिलाएंगे पानी कि इसमें मुट्ठी बंध जाए, ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। देखिए इस तरह से ये मुट्ठी बंद जाना चाहिए। इतना सख्त बनाना चाहिए इस तरह। पानी का छींटा मार के उसी तरह बनाते जाना है। इस तरह से पानी का छींटा मार मार के इसको गोल बना लेना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एक साथ घोल देने से सब चीनी पिघल जाएगा, इसलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने बोल्स तैयार किए हैं। बाजार में इस तरह से डिजाइन मिलते हैं लकड़ी के, उसमें हम लोग तेल डालेंगे थोड़ा सा जिसमें बनाएंगे। आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं।
इस बॉल्स को इस तरह से दबा देंगे, इस तरह से निकलेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने दो डिजाइन का ठेकुआ ठोक के रखा है। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया है, ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, हल्के आंच में ही रखना है गैस को। एक एक करके इसमें डालेंगे। आँच कम कर देना है, थोड़ी देर के बाद आँच को हल्का तेज करना है। थोड़ी देर के बाद इसको पलटेंगे, अभी पलटना नहीं है नहीं तो ये टूट जाएगा। ठेकुआ फूलने लगा है, इस तरह से थोड़ा सा आँच बढ़ा के हम लोग थोड़ी देर तलेंगे। एक तरफ पक जाए तब दूसरी ओर पलट देंगे, अभी नहीं हुआ है। अब इसको आराम से हम लोग पलटेंगे। आँच कम कर देंगे। हम लोग दूसरी ओर पलटेंगे। अब ये नहीं टूटेगा, इसको आराम से उलट पुलट करके हम लोग पका सकते हैं। हल्के आंच में ही पकाना है नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। ये देखिए ये हो गया है, इसको हम लोग निकालेंगे। इसी तरह सभी ठेकुआ हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसको आराम से तलना है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों हम लोगों का खूब अच्छा वाला खस्ता वाला ठेकुआ बनकर तैयार है। ये आप लोगों के लिए है, आइए आप लोग भी खा लीजिए।